तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं एंड बेसिकली मेरा चैनल नया है, तो मैं होप करता हूँ कि आपका साथ मेरे साथ रहेगा। तो नई चैनल की शुरुआत में पहले सीजन में हम दिखाएंगे मार्शल गॉड एम्पायर की फर्स्ट सीरीज को हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक स्काई रियलम को दिखाया जाता है। बेसिकली स्काई रियलम एक स्वर्ग की तरह होता है जहाँ पर गॉड एंड गॉडेस रहा करते हैं एंड राज करते हैं। तो हमारी स्टोरी भी एक मार्शल गॉड की तरफ ही घूमने वाली गाइस एंड उसके आसपास ही घूमेगी। तो हमारी स्टोरी लाइन में आगे हमें दिखाया जाता है कि हमारा मार्शल गॉड अपने मैंशन के टेरेस के ऊपर खड़ा होता है एंड साथ ही वहाँ हमें एक और कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे हीरो के साथ चिपकी हुई रहती है एंड शक्ल से काफी ज्यादा मासूम लग रही होती है। लेकिन यहाँ पर गाइस एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री होने वाली है। तो आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस लड़की को प्रपोज करता है कल शादी करने के लिए, क्योंकि वो काफी टाइम से उसकी फियोंसे थी। तो ये बात सुनकर सामने वाली कैरेक्टर, जिसे हम लूशी के नाम से जानते हैं, तो ये कैरेक्टर सामने से थोड़ा सा मुस्कुरा देती है एंड हमारे हीरो को कहती है कि लूफैन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। एंड वो हमारे मार्शल गॉड एम्पर के सीने में एक शार्प ऑब्जेक्ट को स्टैप कर देती है, मतलब कि वो उसे कम्प्लीटली मारना ही चाहती है। तो लूसी ने ऐसा क्यों किया, ये एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस रहेगा इसका। तो इस सस्पेंस को हम इस सीरीज की एंडिंग में बताएंगे कि ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। तो आगे की सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मार्शल गॉड वहां पर उससे खड़े होकर ये सोच रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ, किसने मुझे मारने की कोशिश की। पर जब तक वो सोचता, लूसी उसे टेरेस के ऊपर से धक्का देती है एंड हमारा हीरो मार्शल गॉड एम्परर स्काई रियलम से लगभग नीचे गिर रहा होता है एंड चिल्ला रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एंड गिरते गिरते चिल्लाते चिल्लाते उसकी आंखें खुलती है बेड के ऊपर। तो गाइज हमारा हीरो यहाँ पर अपने बेड के ऊपर चिल्ला रहा होता है एंड अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो गाइज यहाँ पर हमारा हीरो जब अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड इधर उधर देख रहा होता है एंड वो देखता है कि मैं अभी फिलहाल किस तरह के कपड़ों में बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। तो वहां पर जब वो देखता है तो कुछ देर बाद एक लेडी उसके कमरे में एंटर करती है एंड उससे कहती है कि फैंग, काफी टाइम से तुम यहाँ पर लेटे हुए थे एंड एक सप्ताह से तुम कोमा में थे, सभी डॉक्टर्स ने हाथ जोड़ लिए थे, तो ऐसा ऐसा हुआ था। यहाँ पर ये बात सुनकर हमारा हीरो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड थोड़ी देर बाद वो उस लेडी से पूछता है कि आप कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा। तो वो लेडी उसे बताती है कि तुम मेरे बेटे हो एंड लास्ट टाइम एक बैटल हुई थी, किसी ने तुम्हें बहुत ज्यादा बुली किया था बिकॉज अब शुरू से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो एंड उस फाइट के बाद ही तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए थे कि तुम इतने टाइम से कोमा में थे एंड मैं इंतजार कर रहे थे कि तुम कब उठोगे। तो वो लेडी वहां पर उसे अपना बेटा कहकर पुकारती है एंड उसका नाम भी लिटरली फैंगी होता है, बस यहाँ पर उसका सरनेम चेंज हो गया होता है बिकॉज ऑफ चाइनीज डायनेस्टी के अंदर कहा जाता है कि सरनेम को पहले लिया जाता है नाम को बाद में। तो ये लू फैमिली से बिलोंग करता है एंड फिलहाल इसका नाम फैंग होता है, तो इसलिए इसे लू फैंग कहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर उसकी मम उससे पूरी स्टोरी बताती है कि फिलहाल तुम कहाँ हो, कैसे हो, कौन सी डायनेस्टी में हो, फलाना फलाना जो भी है। जाके हमारे हीरो को यहाँ पर थोड़ी सी तसल्ली होती है और उसे पता चलता है कि फिलहाल मैं इसी जगह पर हूँ जो अभी तक मुझे मालूम ही नहीं है। तो वो उसी मम से पूछता है कि फिलहाल अभी कौन सा टाइम चल रहा है। तो जब उसकी मम उसे बताती है कि अभी तियानियन किंगडम का राइजिंग हुआ है एंड स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही हम लोग हैं एंड फलाना फलाना जो भी टाइम है इसमें पता ही नहीं था। तो लेडी लिटरली उसे बताती है कि हम तियानियन किंगडम में हैं, तुम मार्कस फैमिली के यंगसन हो। एंड जब उसे मालूम पड़ता है कि वो मार्कस फैमिली का यंगसन है तो हमारा हीरो यहाँ पर अंदाजा लगा लेता है कि वो 300 ईयर्स पहले किसी और की बॉडी के अंदर आकर। एंड ये सोचने वाली बात होती है कि हमारा गॉड यहाँ पर इस बात का अनुमान बहुत जल्दी लगा लेता है। तो गाइज यहाँ पर स्टोरी लाइन में हमें बताया जाता है कि अगर कोई इंसान की सोल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या तबाह कर दिया जाए तभी किसी मास्टर की या फिर पावरफुल सोल की रीइनकार्नेशन किसी और की बॉडी में हो सकती है। यहाँ पर गाइज ये लू फैंग जो था, लू फैमिली का यंग मास्टर, इसकी सोल को यहाँ पर किसी ने मार के डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड हमारा यहाँ पर जो है मार्शल गॉड है वो इसकी सोल जो है यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर रीइनकार्नेट हो गई। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मार्शल गॉड थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेता है, समझ जाता है कि फिलहाल हुआ क्या है, पर वो हमारे फैंग की मॉम को देखकर काफी ज्यादा निराश होता है बिकॉज ऑफ उसे इस बात की नॉलेज जरूर होती है कि उसके बेटे की मौत उसकी सोल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड लिटरली हमारा हीरो जो है यहाँ पर उसकी स्टोरी भी यहाँ पर लगभग लगभग सेम ही होती है, बचपन में उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई होती है। तो यहाँ पर वो हमारे लू फैंग की इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब दोनों बेटे बात कर रहे होते हैं तो उसकी मॉम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। उतनी देर में यहाँ पर एक बदतमीज सा लड़का हमारे लू फैंग के घर के डोर के ऊपर लात मारते हुए घर के अंदर एंटर करता है। तो गाइज ये वही लड़का होता है जिसने लास्ट टाइम हमारे लू फैंग को, मतलब पुराने वाले लू फैंग को यहाँ पर डेड कर दिया था, मतलब कि उसको कोमा में पहुंचा दिया था बुली करके। तो वो यहाँ पर आता है एंड कहता है कि लू फैंग, मैंने सोचा नहीं था कि इतना मारने के बाद भी तुम यहाँ पर बचोगे, मैं तो सोच रहा था कि तुम मर गए होंगे एंड मेरे फादर का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे एक और मौका मिल गया तुम्हें फिर से बुली करने के लिए, तो इस बार मैं कसर नहीं छोड़ूंगा एंड तुम्हें फाइनली यहाँ पर डेड कर दूंगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा हीरो पिछली बार की तरह कमजोर तो होता नहीं है, यहाँ पर वो फिलहाल एक मास्टर होता है एंड फिलहाल ये अभी मालूम पड़ रहा होता है कि यहाँ पे वो एक मार्कस फैमिली का यंग मास्टर है एंड उस दौर में
में मार्कस फैमिली का यंग मास्टर होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मार्कस फैमिली का नाम उससे काफी सुना हुआ था। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मार्कस फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे यहाँ पर इतनी बात सुना रहे हो। तो सामने वाला लड़का उसे देखकर हंसने लगता है कि तुम और मार्कस फैमिली की यंग मास्टर हो, तुम्हें क्या इस बात का मजाक लग रहा है, ये छोटी सी बात है। मार्कस फैमिली का यंग मास्टर मैं हूँ क्योंकि अपनी सारी की सारी फैमिली के अंदर मैं अभी तक का सबसे पावरफुल लीजेंड हूँ यहाँ का। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उससे बोलते हुए काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा लूफेंग उसे चिढ़ा रहा होता है। उसकी बातों का जवाब कुछ इस तरह से देता है कि वो सामने से उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो लड़का जब हमारे लूफेंग के ऊपर अटैक करता है तो हमारा लूफेंग उसको बड़े आसानी से हल लेता है क्योंकि वो एक मार्शल कोर्ट एम्परर होता है। बिकॉज सामने वाला लड़का उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने फिलहाल अपनी फिस्ट की पावर के अंदर पंच को मारने के लिए 40% पावर का इस्तेमाल कर लिया होता है एंड वो उस फैमिली के अंदर फिलहाल सबसे ज्यादा लेवल वाला एक वॉरियर होता है। तो वो ये देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है एंड सोचता है कि यार मैंने इसको मारा लेकिन इसको लगी तो है नहीं। तो यहाँ पर हमारा हीरो लू फैंग उसे थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहता है कि बस इतनी सी ताकत। तो फिर हमारा सामने वाला कैरेक्टर जिसे हम फिलहाल अभी नाम दे देते हैं लू ची के नाम से, हाँ मैच करता है तो नाम दे देते हैं, तो ये वापस से अटैक करने के लिए आता है एंड इस बार इसका पावरफुल पावर का जो ब्लो होता है बहुत ही ज्यादा टफ होता है एंड ज्यादा होता है। तो इस बार वो 80% पावर का इस्तेमाल करता है एंड वो अपनी फेस को हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ाता है। तो हमारा हीरो भी यहाँ पर कम नहीं होता, वो क्या करता है वो अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करता है एंड उसके किए हुए अटैक को डॉज कर लेता है एंड सीधे जाके अपना पंच उसके गोलू पर मारता है। तो यहाँ पर हमारे लू ची का जो है गोलू डैमेज हो जाता है एंड आप समझ ही गए होंगे। तो उसके वहां पर अंडे फूट जाते हैं एंड वो फ्लोर के ऊपर गिर जाता है। तो जब वो फ्लोर के ऊपर गिरता है तो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की एंड स्पेशली वहां पर अटैक करने की, तो इस बात का बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगा। एंड वो उठता है एंड शॉर्ट को निकाल देता है एंड शॉर्ट से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। एट द टाइम वहां पर हमारे हीरो